तक पहुंच रही। श्री महोदय को आपकी कोशिशों के लिए, आपके पहुंच के लिए एक बार जोरदार तालियों और इन तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन। आज इन शिविरों के माध्यम से हमने समस्याओं को सूचीबद्ध किया और नतीजा एक एक करके उस समस्या का समाधान में हम लगे। पहला शिविर के माध्यम से हमने इस राज्य में असहाय, बुजुर्ग, कमजोर लोगों को, जो दर बदर भटकने के लिए मजबूर, उनको सहारा देने का काम किया और इस राज्य में सर्वजन पेंशन लागू करके सभी बुजुर्ग, सभी महिलाएं, विधवा महिलाएं, सभी विकलांग को पेंशन देने का काम किया। आज लाखों की संख्या में कोई बुजुर्ग गांव में पेंशन नहीं मिल, बिना पेंशन का नहीं है। हम पूछना चाहते हैं यहां बैठे हुए आप सभी ग्रामीणों से, गांव में पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? आवाज दीजिए। सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलता है? सभी विधवा महिलाओं को पेंशन मिल रहा है? चलिए, इस शिविर से तो इतना काम हुआ, उसके बाद दूसरा शिविर में हमने आने वाली पीढ़ी के लिए, विशेषकर अपने बच्चियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ किया, सावित्री भाई फूले योजना। आज उस सावित्री भाई फूले योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा है। हमारी राज्य की गरीबी इतनी अधिक है कि घर में अगर बेटी पैदा हुई तो 8वां 9वां क्लास पढ़ नहीं पाती है, बेचारा उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है माँ बाप लोग। हम उन माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अब ये काम करना बंद कर दीजिए, बेटियों को अपना बोझ मत समझिए। हमने सावित्री भाई फूले योजना प्रारंभ किया है। आने वाला समय 12वीं क्लास के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार और भी कोई बढ़िया अगर उसको पढ़ाई करना हो, उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार आपके लिए वहन करेगी। गुरुजी क्रेडिट कार्ड आपके पास रहेगा, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम बढ़िया कॉलेज का निकालेंगे, अगर उसमें 5 लाख रुपया का आपका फीस लगेगा, 10 लाख रुपया का भी लगेगा, तो उसका सहायता राशि राज्य सरकार देगी और आपको कोई गारंटर लेने की देने की जरूरत नहीं है। हमने अपने कर्मचारियों को भी मान सम्मान के लिए पुराना पेंशन लागू किया और आज उसी आत्मविश्वास के साथ इन कर्मचारियों को ही लगा करके गांव भेज रहे हैं, जहां सड़क नहीं है, जहां रोड नहीं है, जहां पुल पुलिया नहीं है, लोग वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से जाकर तंबू लगा लगा करके गरीबों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जो जिला स्तर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, उसको हम लोगों ने प्रखंड स्तर पे कर दिया है और इसका नतीजा ये हुआ है कि अभी तक हम लोगों ने विभिन्न प्रमंडलों में जा करके लगभग 60 से 70 हजार बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां दिलाने का काम किया। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा, ये लोगों के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है, हर माह की 5 तारीख तक आपके देकर आप अपनी राशन दुकान से को प्राप्त होगा, इसके लिए आप लाभ। सरकार माननीय मुख्यमंत्री रूबी कुमारी लक्ष्मी देवी 8 करोड़ चेक आपको माननीय मुख्यमंत्री मोहम्मद प्रखंड के तैयाबंसा ने की कृपा की जाए। ये शिलापट्ट का अनावरण, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सब की तरफ से आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। मेरा ये माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। जुड़े रहिए हमारे साथ,
क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।